हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अशोक चक्र का मतलब क्या होता है? दोस्तों, अशोक चक्र का मतलब होता है कर्तव्य। जैसे अशोक चक्र चलता रहता है, एक पहिया आगे बढ़ता है और गाड़ी आगे चलती है, उसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में पहिये के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। और इसकी 24 तिल्लियाँ होती है अशोक चक्र की, जिसमें 24 गुणों को दर्शाती हो। जो पहली तिल्ली होती है वो संयम को, दूसरी तिल्ली आरोग्य को, तीसरी तिल्ली शांति को, चौथी तिल्ली त्याग को और पांचवी तिल्ली सील को, छठवीं तिल्ली सेवा, सातवीं समा, आठवीं प्रेम को, नवीं मित्र, दसवीं बंधुत्व को, ग्यारहवीं संगठन को, बारहवीं कल्याण को, तेरहवीं समृद्धि को, चौदहवीं उद्योग को, पंद्रहवीं सुरक्षा को, सोलहवीं नियम को और सत्रहवीं समता को, अठारहवीं तिल्ली अर्थ को कि धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, उन्नीसवीं नीति को कि हमें रणनीति तैयार रखनी चाहिए पहले से, बीसवीं न्याय को कि सभी के लिए न्याय बराबर होना चाहिए, इक्कीसवीं सहकार्य मतलब मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, बाईसवीं कर्तव्य अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, तेईसवीं अधिकारों का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और लास्ट 24वीं बुद्धिमत्ता, हमेशा अपने देश और परिवार के साथ बुद्धिमत्ता से कार्य करें जिससे परिवार और देश आगे बढ़े। जय हिंद।